हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। यो तो दोस्तों, आज हम बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में जाने वाले हैं और सबके सब जुदा भी होने वाले हैं आज। हाँ यार, बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं सही में। पर गाइस जल्दी मिलेंगे, बिल्कुल जल्दी तो भाई के साथ बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा यार सबसे मिलके, मतलब लगभग सबसे पहली बार ही मिले हैं इसी ट्रिप पे, मतलब टिहरी वाली ट्रिप पे, तो सबसे बहुत ज्यादा लगाव हो गया यार। और मोना दी सबसे मतलब इतनी अच्छी दी है ना कि इनसे दो बार मिलके इतना लगाव हो चुका है, क्या बोले। तू भी कर दे दो तारीफ मेरे बारे में। सही में यार, ये लड़की ऐसी लड़की है ना, जो बड़ी बहन वाली फीलिंग होती है वो इसके पास पूरी है, इतनी इंटेलिजेंट, हमको समझदार गाइड करने वाली, समझदार। मैं बोल रही हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ ना, मैं आई हूँ दी की वजह से। मैं दी को इतना बुला रही थी ना, दी की तबीयत खराब हो रही थी, दी को मैं इतना बोला थी आ जाओ आ जाओ, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन मैं इनकी वजह से आई, मतलब इनका इतना प्यार था, मिले दीदी आ जाओ आ जाओ, हमको सपोर्ट मिलेगा, मैं बस इसीलिए आई इन लोगों के लिए। तो सच में बहुत ज्यादा मिस करूंगी तुम लोगों के, और जब तुम ये ब्लॉग देखोगे ना, मतलब अगले दिन जब यहाँ से जाएंगे तब तुम लोग भी इमोशनल हो जाओगे। मैं तो अभी से इमोशनल हो रही हूँ यार, सब लोग चले जाएंगे तो आज हम बहुत ही अच्छी लोकेशन में जाने वाले हैं। फिलहाल इमोशनल होने का टाइम नहीं है, मस्ती करने का टाइम है, जितना भी टाइम दिखाएंगे आपको पूरा, बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा मजा, अरे रो रही है, चुप करा दे यार इसको, अरे हम रोने वालों में से नहीं है दोस्तों, तो लेके चलते हैं आपको न्यू लोकेशन। बहुत देर हो चुकी है, यस बहुत ज्यादा देर हो गई, चेकआउट कर रहे हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अभी आपको बाहर। चलो चलो चलो, हमारी गाड़ी आ गई, चलो चलो गाड़ी आ गई हमारी, चलो चलो गाइस यहाँ गाड़ी आ गई है हमारी लग्जरी गाड़ी, अरे बैठो भाई गाड़ी में, हमारी गाड़ी आ गई। तो दोस्तों फाइनली अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, और काफी देर तक हम रुके हुए थे, हमें कोई गाड़ी नहीं मिलती थी, तो हमें भैया ने लिफ्ट दी, थैंक यू भैया। और पीछे से देखो कितने सारे बैठे हुए ये लोग, तो अभी आपको घुमाएंगे पूरा जहाँ भी हम जा रहे हैं, ठीक है, मिलते हैं अभी। और यहाँ से काफी अच्छा व्यू देखने को मिलता है, देखो। बोराड़ी से थोड़ा नीचे आ गए हैं, और जिन भैया के साथ अभी हम गाड़ी में थे ना, उन्होंने हमें बोराड़ी तक छोड़ा था, और अभी हम यहाँ से, चलो हम आपको बता देते हैं, रिवील कर देते हैं, अभी हम जा रहे हैं टिहरी डैम, और सही में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, हम पहली बार ही जाने वाले। कोई जा रहा है कि पहले जाने जा रही, मैंने 2 साल पहले गई थी बोटिंग, और मैं एक और चीज बता देती, मतलब बहुत ही ज्यादा लूट मची हुई यार ये गाड़ी, हमने कितने में करी, 1400 में, तो बोल रहे हैं ना कि हाँ उत्तराखंड टूरिस्ट प्लेस है हमारा, ये सब वो सब, चलो हमें फिर भी नॉलेज है कि यार इतना नहीं लेते, और अगर जो अगर अदर कंट्री से हमारे यहाँ घूमने के लिए आते हैं, टिहरी बांध तुम सबको पता है सबसे बड़ा बांध है यार, मतलब इतने लोग घूमने के लिए आते हैं, इसका मतलब यार सरकार को कुछ तो करना चाहिए, लोकल गाड़ी चले, हर कोई बुकिंग नहीं दे सकता यार, हम जैसे बच्चे गरीब बच्चे यार स्टूडेंट है, कौन से हम बिल्कुल ऐसे जॉब कर रहे हैं जो प्रोफाइल से है कि बिल्कुल हम कर दे, मतलब अब तो वही घूम सकते हैं ना जिसके पास अच्छे पैसे, उससे 13 किलोमीटर है, 13-14 किलोमीटर है, 15 सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, वहाँ पे गाड़ी जाती है तो फिर गाड़ी भी नहीं मिलती, गाड़ी को लेके जाना तो वापसी का भी देना उनको, मतलब अगर जाने वाले के लिए भी वो है दिक्कत है, और हम लोगों के तो है बिल्कुल, अगर हम ऐसे भी नहीं कर सकते जाने जाने का, क्योंकि आने के लिए फिर हमें गाड़ियाँ नहीं मिलेंगे वहाँ से, इसलिए हमने आने जाने का दोनों बुकिंग कराई है, तो क्या ही बोले यार सारे पैसे तो खत्म हो गए, तो फिर हमने ये भी सोचा ना कि यार जब इतनी दूर आ रखे हैं तो चले ही जाते हैं, डैम घूम के आ जाएंगे। हमें तो लूट लिया इंटीरी वालों ने, गोरे गोरे वालों ने, काले काले बालों, प्यारी प्यारी बातों से, बोले बोले शक्लों से, प्यारे प्यारे बातों से, गोरे गोरे नोटों से, लाल पीले नोटों। तो गाइस ऐसा कुछ रहा हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस, अभी देखते हैं आगे नीचे कितनी लूट है। खैर नीचे तो हमारी हो रखी है व्यवस्था, और सर ने हमारी करा रखी है बोटिंग वगैरह का, तो थैंक यू सो मच सर, अगर हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो उन्होंने ही हमारे लिए बोटिंग वगैरह का करा रखा पूरा अरेंजमेंट, और एक भैया मिला था जो उन्होंने हमें यहाँ तक छोड़ा गणेश चौक में, बहुत ही हेल्पफुल, वो हमें मतलब बोल भी रहे थे कि तुम्हारे आधे पैसे मिल गए, वो बोलते हैं ना घर वालों के काम आते हैं उनके लिए सही है, हमारे दर्द सही बात है। भैया हेलो बोल दो एक बार, हेलो, आपकी काफी तारीफ कर दी हमने आपकी बहुत तारीफ कर दी, आप हमसे कितने पैसे ले रहे हो, हमने कहा बहुत सस्ते में लगाया, मैं आपसे बोल रहा हूं 400 लूंगा, 1 रुपया कम नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हमारे लिए दिक्कत है,
इन लोगों के लिए भी दिक्कत है यार, सबके लिए दिक्कत है यार, इतने देर में तो कितने पैसे कमा सकते हैं। सही बात है। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों और मिलते हैं आपको सीधे नीचे डैम में। पे आ गए हैं, यहाँ से पूरा टिहरी डैम दिख रहा है और यहाँ पे ना भागीरथी और भिलंगना का संगम है। और अभी भैया ने हमें यहाँ के बारे में जानकारी दी काफी सारी, मतलब यहाँ पे ना बहुत पूरा हाँ, जो मतलब जो पुराना टिहरी था ना वो इधर ही, मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ। तो पुराना टिहरी ना इधर ही बसा हुआ था और यहाँ पे म्यूजियम बना हुआ है, जो भी मतलब रानी का महल था वहाँ के जो भी रहे होंगे सामान वगैरह वो वहाँ पे रखा हुआ है। और ये देखो 284 गाँव यहाँ पे डूबे हैं। तो यार सही में क्या ही बोल सकते हैं, बड़े हमको इतना दुख हो रहा है अभी सुन के, तो है ना तो यार क्या मोमेंट रहा है, जो बर्थ प्लेस है वो खोना बहुत तो, बड़ी बात बहुत बड़ी बात है यार, हम सोच के ही मतलब ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर समाया है यार वो गाना, वो जो गाना ही है टीरी डूबने लगी, उस गाने को देख के आंसू आ जाते हैं यार। अगर आप सुनो मतलब इस टाइम पे फील करो उस गाने को लगा के ना, तो हमें इतना बुरा लग रहा है ये सुन के, तो जो जिन लोगों का घर सब यहाँ पूरी जिंदगी मतलब जिन्होंने अपना बचपन गुजारा नहीं होता है, तुम किसी भी महल में चले जाओ, तुम कहीं भी अच्छे से चले जाओ, पर अपने घर जाने के लिए एक्साइटमेंट रहता है, अपनी अपना घर मातृभूमि थे जन्मभूमि रहती है, अब नहीं होता है, सही बात है, जन्मभूमि बोलते हैं, जन्मभूमि हां सही। तो यहां से काफी अच्छा व्यू है देखने के लिए और सेम हमें बड़ा इमोशनल सा फील कर रहे हैं हम अभी यार, मतलब उन लोगों को क्या फील हो रहा होगा उस टाइम पे जब ये सब हुआ। तो अभी जो न्यू टीरी है ना वो ऊपर बस गया, पहले जो पुराना टीरी था नीचे ही था। तो एक सॉन्ग भी बना था हमारी पानी में डुबणी, नरेंद्र सिंह ने का था क्या, नरेंद्र सिंह ने का ये भी था, टीरी डुबने लगी वाला सॉन्ग। गाइज अभी फाइनली हम लेक के पास पहुंच गए हैं और काफी अच्छा व्यू है यहाँ पे, काफी सारे टूरिस्ट भी आ रखे हैं और हमें एक आंटी मिली है, हेलो हाय, जो कि बहुत ही क्यूट है आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच। गढ़वाली बोल के दिखाओ कुछ, गढ़वाल किबुन भाई तुम बताओ। तो दोस्तों हम कहीं भी जाते हैं ना हमको हमारे टाइप के लोग मिल ही जाते हैं सही में, जब हम गाड़ी में है ना, अभी भैया भी बिल्कुल हमारे टाइप एकदम मस्ती करने वाले, तो हम कहीं भी जाते हैं हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं, क्योंकि हम भी अच्छे हैं ना तो हमें भी अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे घूमते हैं, फिलहाल तो यहाँ पे सब झूला झूल रहे हैं, ये देखो गाइस बहुत मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है आपको, मतलब मेरा दिल खुश हो गया। आंटी तो खुश है एकदम, मस्त झूला झूल रहे हैं। ऐसा है आंटी को बच्चा बनने का जब जब मौका मिलता है, बिल्कुल आंटी तैयार है, सेम आपकी तरह मेरी मम्मी भी है, आपके जितने ही मेरे बच्चे है, दिल तो बच्चा बच्चा है जी, सेम है यार, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे आने में, मस्त लग रहा है एकदम मस्त। आप लोग भी एक बार जरूर विजिट करें यहाँ पे। बोटिंग करने का और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं नहीं फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं तो ज्यादा ही, मेरा तो सेकंड टाइम है, मैं नैनीताल भी कर चुकी हूं, यहां भी कर चुकी हूं और तेरे, और मतलब चाहे फर्स्ट टाइम हो चाहे सेकंड टाइम, मजा तो आता ही है बिल्कुल, और दोस्तों के साथ अलग ही मजा है, दोस्तों के साथ अलग ही मजा है, और मैं तो फर्स्ट टाइम करने वाली, मैं भी आल्सो यार, ये सुहाने दिन, थैंक यू, ये ब्लू वाला दे दो मुझे, हां मुझे भी ये वाला दे दो, रेड पहनना है। तो गाइस अभी हमें यहां पे जैकेट मिल चुके हैं और अभी हम जाएंगे आगे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आप लोगों के साथ ही शेयर करते रहेंगे, लेट्स गो। वही इसमें डर लग रहा है, व्हाट अ फीलिंग यार, है ना। चलो दोस्तों मैं जैकेट वेयर कर लेती हूँ पहले, उसके बाद बात करते हैं। गाइज अभी हमने जैकेट वेयर कर ली है और यहाँ पे सही में बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, देखो हम ऊपर नीचे ऐसे ऐसा हो रहा है भाई, देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। अरे सुनो पहले सर को थैंक यू तो बोलो, पंच बनो।
थैंक यू सो मच सर जिन्होंने हमारे लिए व्यवस्था की। सर ने बोला था बहुत धन्यवाद, सर ने सच में करके दिखाया, हमने लगा ऐसे ही बोले कि अरे भाई होगा, तहे दिल से धन्यवाद आपका। सही में सर, तो जिन्होंने हमारे यहाँ पे बोटिंग वगैरह की व्यवस्था कराई है, अरेंजमेंट कराया है, कुलदीप पवार सर थैंक यू सो मच। और आपकी वजह से हम यहाँ पे आ पाए, नहीं तो हमारा इतना बजट नहीं बन रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया था, तो हम सोच रहे थे इस बार नहीं करेंगे, फिर अगर कभी आना हुआ तो तब आएंगे, लेकिन थैंक यू सो मच आपकी वजह से हमें मौका मिला है। और यहाँ पे सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप देख सकते हो अभी हम बोटिंग भी करेंगे, फिर वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली अभी हम बोट में बैठ चुके हैं, अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट यार, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कुछ सरप्राइज मिलने वाला है बहन के साथ। हां कौन सा सरप्राइज है हमें बता दो। हां सही में घर जाने के लिए लेट भी तो, लेकिन कोई बात नहीं यार, पहले हम जो ये मोमेंट है ना इसको एंजॉय करेंगे, बाद की देखी जाएगी। तो सही में बहुत ही ज्यादा, अभी मैं आपको आगे का व्यू दिखाती हूं, देखो यार वाओ अमेजिंग अमेजिंग। देखो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत एक बार खड़े उठो पे। और यहाँ पे क्या पार्टी वगैरह हो सकती है? ये पार्टी उटी के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके लिए बनाई गई है। अच्छा अच्छा हमारे लिए बनाई गई है। चलो लेक के बीच में सही है यार, है ना? अलग ही अच्छा लग रहा है। सही में भाई एक मेरे तो दोस्तों भैया यहाँ पे हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं यहाँ के बारे में, बताइए। ये जो आप टिहरी लेक में घूम रहे हैं इसमें ये फ्लोटिंग हट्स जो बनाई गई हैं, ये इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है। अभी इंडिया में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो तैरते हुए घर पानी पर बनाए गए हैं। 20 हट्स बनाई गई हैं जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पर हर हट को अलग अलग नाम दिया गया है गंगा के नामों पे। जितनी भी हमारे देश की नदियाँ हैं नदियों के नाम पे यहाँ पे आपको हट्स के नाम दिए गए हैं, और लग्जरी स्टे के लिए आपको यहाँ पर लाया जाता है, और अलग एक यूनिक एहसास दिलाया जाता है। ये चार्जेस मैम ये प्राइवेट उसके में चल रहा है, इसलिए इसके टाइम के अनुसार होता है। जैसे आपका ज़्यादा डिमांड है तो उसके चार्ज बढ़ाते हैं, लेकिन मिनिमम 18,000 रुपये पर नाइट ही चार्ज कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है, ये देख सकते हो। थैंक यू सो मच भैया हमें यहाँ विजिट कराने के लिए। ये देख सकते हो यहाँ पे हट्स बने हुए हैं, कभी मौका मिलेगा तो हम लोग भी जरूर यहाँ पे स्टे करेंगे। और साथ ही बोलना चाहती है कि मैं टीरी में अपने लिए लड़का ढूंढ रहा था, टीरी वाले इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो कृपया आप मेरे से कांटेक्ट करें। पंडित होना चाहिए, इंस्टाग्राम आईडी बता दें, इंस्टाग्राम आईडी स्वाति भट्ट 03, और मेरे को देख लो मेरी प्रोफाइल लगी हुई। इसको ना लड़कों की कमी हो गई बहुत ज्यादा, हर जगह बोलती है कि गाइस नहीं गाइस मेरे को ना टीरी बहुत पसंद है, और मेरे को टीरी में ही शादी करनी है, और उसके पीछे का रीजन ये है कि मैं यहाँ पे अपना वेडिंग का प्री शूट करवाऊंगी। प्री वेडिंग बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी करा सकते हैं, और काफी सारे कपल्स देखे हमने अभी तो प्री वेडिंग शूट करा रहे हैं, तो उनको देख के हमें भी मोटिवेशन मिला, हमें मतलब आइडिया मिल गया कि यहाँ कर सकते हैं, हम भी करा सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा इस मोमेंट को फील करेंगे दोस्तों, हम थोड़ा इस मोमेंट को ना फील करना चाहते हैं, तो थोड़ी देर थोड़ा मैं कैमरा कुमरा ऑफ कर देती हूँ और थोड़ा शांति से फील करती हूँ लोकेशन को। और दोस्तों मैं बोल रही हूँ अपने साइड से
बाइक वाली नाव। तो गाइस ये लड़की जो सड़क पे भी गाड़ी नहीं चला पाती है, पानी में चलाने के लिए तैयार हो रखी है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ज्यादा गाइस ये है बाइक वाली नाव। इसमें इतनी मस्त मस्त फोटो आ रही है ना सही में। तो हम शो ऑफ कर रहे हैं फिलहाल, अभी हाँ शो ऑफ के लिए, बस अभी हम व्यू को एंजॉय कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अभी हम जा रहे हैं इस लोकेशन से और कैसा एक्सपीरियंस रहा सबको बताओ। चलो मजा आ गया, बहुत ज्यादा मजा आया, चलते हैं। थैंक यू भैया फिर से, थैंक यू सो मच भैया का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम कभी भी आएंगे, अपना नंबर दे दीजिए हमें। हाँ बिल्कुल, कस्टमर भी आएंगे, हम उनको भी आपका नंबर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे दोस्तों। और हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया है, सही में, मतलब जब हम गए ऊपर वहाँ सबके पूरी डिटेल बताई वहाँ के बारे में। तो अभी चलते हैं कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख भी लग गई, हमने नाश्ता नहीं किया था ना सुबह, खाना खा लेते हैं उसके बारे में। क्या बोल रहे हो? तो गाइज हम यहाँ पे नूडल्स एंड चाय खा रहे हैं, देख सकते हो भूख से सबकी हालत खराब हो गई थी। और यहाँ पे लेक के सामने से अलग ही मजा है यार खाना खाने का, ये देख सकते हो भाई, ये तो देख भी नहीं रही अभी खाना खाने के, उसमें भाई बहुत गंदी भूख लगी है। पेट भर, बहुत देर पहले देखा था वो जो आपका जो ब्लॉग बनाया था, मम्मी मेरी मम्मी के बारे में, शायरी वाला, पुराने शायरी, मम्मी ने अपने दिल की बात बताई। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, अपने पुराने अफेयर के बारे में बात कर रही थी। अरे मुझे याद है, मैंने भी देखा था, भी देखे कुछ और भी। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे ब्लॉग देखते हैं। देखा, देखो मुझे याद है। अच्छा अच्छा, आपने हमारे ब्लॉग की तारीफ नहीं की, मम्मी की तारीफ की। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो बोलने ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कोई गांव की लेडी है ना। हाँ जी हाँ जी, मतलब कहीं बार हम भी काफी एक्टिव है, मम्मी पूछे ना कोई जनरली हमसे सवाल पूछे ऑन वीडियो तो हम लोग भी अटक जाते हैं। हाँ तो लग ही नहीं रहा था ऐसे, वो तो हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप लोगों को, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो अंकल, हेलो हेलो, अरे बोला बोला इनकी शादी कर रहे हैं। आप कहाँ के हो? कहाँ के हो आप? मैं तेरी गाँव का नाम मैकंडी, गाँव का नाम मैकंडी, अच्छा मैकंडी, अच्छा बहुत फनी हो, अच्छा एक बार दोबारा हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ गया सब सही में यार। बचपना नहीं जाना चाहिए इंसान के अंदर का, बचपना जिंदा रखो हमेशा अपने अंदर का, जैसे अंकल के अंदर का। कौन सा यार बुढ़ा को ब्योच रहे, ऐसे कुछ होगा मोबाइल पे चला दो। नहीं ये वो ब्योला अंकल थे जिनकी अभी वीडियो बन रही थी, बहुत ही फनी है और इनके अंदर इतना बचपना है ना, तो सबको ऐसे बचपना मतलब अपने अंदर बरकरार रखना चाहिए चाहे कितने भी बूढ़े हो जाए, है ना अंकल जी। तो आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, थैंक यू सो मच। सबके सब लोग हैं यहाँ पे, अमृतसर से ये लोग आए तो काफी अच्छा लगा सबसे मिलके। गाइस अभी घड़ी आ चुकी है बिछड़ने की, अभी स्वाति और सुषमा यहाँ से जा रहे हैं, तो बहुत ही गंदा सा लग रहा है यार सही में, एक अलग ही बॉन्ड बन गया यार इनके साथ। मिलेंगे जल्द मिलेंगे, ठीक है जरूर जरूर, रो मत यार, रोते बच्चों की तरह। चल सुषमा अरे कसम से बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके कसम से, चल ठीक है। ये रो तो नहीं रही सच में, ये नर्वस है, वो तो नहीं पर मैं हो जाती यार, मेरा मेरा इतनी जल्दी अटैचमेंट हो जाता है लोगों के साथ। मम्मी से जरूर जरूर, चलो ठीक है बाय यार, सही में मेरे को रोना आ रहा है, चलो ठीक है बाय बाय बाय, लव यू, बहुत जल्दी मिलेंगे सबके साथ, चलो ठीक है बाय। चलो 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 चल बाय बाय। सफर कैसा है ये सफर, मंजिल